हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। रोजी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम इडली की रेसिपी लेकर आए हैं। यहाँ मैंने 2 कटोरी सूजी लिया है और यहाँ हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे इसमें। यहाँ हमने जिस अनुपात में सूजी लिया है उसका हाफ दही लेंगे। यहाँ मैंने गाढ़ा दही लिया है 1 कटोरी। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ सूजी, दही और नमक अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इसका एक बैटर तैयार करना है। तो हम इसमें पानी ऐड करके एक अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। बीच बीच में हम पानी ऐड करते हुए थोड़ा थोड़ा बैटर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, सूजी पानी को एब्जॉर्ब करती है तो हम इस बैटर को तैयार करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर ये बैटर में हमें पानी की और आवश्यकता होगी तो हम इसको में पानी ऐड और करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने इस तरीका का बैटर बना के छोड़ दिया है। अब यहाँ मैंने एक बड़े कुकर में, जिसमें मेरा इडली स्टैंड अच्छे से आ जाए वो कर लिया, उसमें पानी गर्म करने के लिए रख दिया। यहाँ मैंने बैटर में इनो ऐड किया है। इनो ऐड करके हल्के हाथों से अच्छे से एक साइड मिक्स करेंगे। एक साइड मिक्स करेंगे हम और आप देख सकते हैं बैटर को हमें कुछ इस तरीके का चाहिए। अगर ज़्यादा पतला बटर होगा तो मेरी इडली फूलेगी नहीं। चलिए, यहाँ मैंने स्टैंड में इडली स्टैंड लिया है, इसको ऑयल से ग्रीस कर दिया है, हल्का हल्का ऑयल लगा दिया है। अब हम इसमें बैटर फिल करेंगे। फ्रेंड्स, इडली एक ऐसा बिना ऑयल के बनने वाला ब्रेकफास्ट है जो बहुत ही हेल्दी होता है और खाने में भी बहुत ही यम्मी लगता है। और ये कई तरीक़ों से खाई जाती है। इसको हम सांभर के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं, फ्राई करके भी खा सकते हैं, बटर इडली भी खा सकते हैं। मुझे बटर इडली बहुत पसंद है। अब हम यहाँ स्टैंड को इस कुकर में आराम से रख देंगे क्योंकि कुकर बहुत गर्म होगा। तो जब भी आप किचन में काम करें बहुत ही केयरफुली। अब हम इसको ढक देंगे। 8-10 मिनट में इडली बनके तैयार हो जाएगी। 8-10 मिनट बाद हम कुकर को देखेंगे। ये देखिए, इडली बनके एकदम तैयार हो गई है। हम इसको चेक कुछ इस तरीके से करेंगे। इडली मेरी नहीं चिपक रही तो इसका मतलब इडली बनके एकदम तैयार हो गई, अंदर से अच्छे से बन गई है। इसको 5 मिनट ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम स्टैंड से इडली निकालेंगे। देखने में तो बहुत ही अच्छी बनी इडली, फूली भी काफ़ी है, स्पंजी है। ये देखिए, इडली बनके एकदम तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं इडली बहुत अच्छी बनी है। बाकी बची हुई इडली हम बना लेंगे। बटर को मैंने पहले की तरीके से इसमें फिल किया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।